ये सभी होगा। ब्रिटेन का खास शेख चीमा और जमशेद चीमा ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। मियां बीवी ने सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 9 मई के मुजरिमान को सजा मिलनी चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए सियासत में आए थे। मलिका बुखारी ने भी पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मजम्मत की, कहा कि कोई दबाव नहीं, अपनी मर्जी से सियासत छोड़ रही हूँ। मुसर्रत चीमा ने कहा कि जहाँ ज़रूरत पड़ी मुल्क के लिए काम करेंगे। मैं कंडेम करता हूं 9 मई के वाकयात को। सियासत को कंटिन्यू नहीं कर सकते, वो अपने आप को भी इसमें जिम्मेदार समझते हैं। सो जिसे कहते हैं जिम्मेदारी लेते हुए हम इस्तीफा देते हैं पार्टी की हर पोजीशन से और पार्टी से और पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप। मैं और जमशेद चीमा साहब सियासत में सिर्फ इसलिए आए थे, हम अपनी जो हमारे अंदर कोई है मुल्क को सर्व करने की सलाहियत, हम पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकें। मैं यहाँ पे अपनी सियासत को और PTI को खैराबाद कहती हूँ। इंशाल्लाह किसी और रोल में अगर आपने वतन के लिए मुल्क के लिए कुछ करना है तो अल्लाह ताला और हमें वसाइल भी दिए हुए हैं, हम किसी और तरीके से भी मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। मैं 9 मई के जो गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम थे, जिस तरह रियासत के इदारों के ऊपर फौजी तंजीबात के ऊपर हमला किया गया, उसकी मैं भरपूर तरीके से मजम्मत करना चाहती हूँ। मैं ये ऐलान करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी पोजीशंस हैं, पार्टी पोजीशंस हैं, उससे मैं इस्तीफा देती हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।